नमस्कार, मैं हूं यास्मी। पिछले एक महीने से ट्विटर पर सीबीआई जांच की मांग करते हुए लोग अलग अलग तरह के ट्रेंड चला रहे हैं। सुशांत सिंह आत्महत्या मामले में पहले दिन से ही उनके परिवार के लोग इसे साजिश बता रहे हैं। उनके चाहने वाले इसे बॉलीवुड में नेपोटिज्म का शिकार बता रहे हैं। सड़क से लेकर ये मामला संसद तक में गूंज रहा है। ऐसे में अब चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख की ओर से। रिपोर्ट्स की माने तो उन्होंने सीबीआई जांच की मांग को खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि इस मामले में सीबीआई जांच की जरूरत नहीं है, मुंबई पुलिस ही इस पहेली को सुलझाने में सक्षम है। मेरे पास भी कैंपेन के कई ट्वीट्स आए, लेकिन मुझे लगता है कि सीबीआई जांच की आवश्यकता नहीं है। मुंबई पुलिस इस केस को सुलझा लेगी। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। जांच पूरी होते ही इसकी अंतिम रिपोर्ट की विस्तृत जानकारी साझा कर दी जाएगी। आप देख सकते हैं कि अनिल देशमुख का कहना है कि मुंबई पुलिस प्रोफेशनल राइवलरी सहित सभी एंगल से जांच कर रही है और अभी तक की जांच में किसी साजिश का खुलासा नहीं हुआ है। इस वजह से ये मामला सीबीआई को जांच के लिए नहीं दिया जाएगा। आपको याद दिला दें कि बिहार के पूर्व सांसद पप्पू यादव, एक्टर शेखर सुमन, रूपा गांगुली जैसे कई बड़ी हस्तियों ने इस मामले को लेकर सीबीआई जांच की मांग की थी। वहीं भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने भी इस मामले को अपने हाथ में लेते हुए कोर्ट तक जाने की धमकी दी थी, जिसके बाद सुशांत के चाहने वालों में थोड़ी उम्मीद की किरण दिखाई देने लगी थी। लेकिन महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख की ओर से आया बयान उनके चाहने वालों में एक बार फिर हलचल पैदा कर सकता है। आप देख सकते हैं कि लोगों ने अभी से उनके बयान पर आपत्ति जताना शुरू कर दिया है। अब देखना यह होगा कि ये मामला क्या यहीं थम जाएगा या कुछ नया बखेड़ा खड़ा हो सकता है।